मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शिक्षक दंपति पुलिस की कार्यप्रणाली से इतनी नाराज है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठना पड़ रहा है। शिक्षक दंपति के घर 18 दिन पहले चोरी हुई थी और अभी तक पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई है, जिससे शिक्षक दंपति अनिश्चित काल के लिए बच्चे सहित धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के अनुसार जिले के गंज थाना इलाके के पास स्थित उदय परिसर में 10 दिसंबर को शिक्षक प्रभाकर पवार के घर चोरी हुई थी। चोर घर के दरवाजे की चौखट काटकर घर में घुसे रखे 7 लाख के जेवर और नकदी राशि लेकर फरार हो गए। इस घटना की शिकायत शिक्षक प्रभाकर पवार और उनकी पत्नी शिक्षिका हेमलता पवार गंज थाने में उन्होंने दर्ज कराई और आरोप है कि पुलिस ने शिक्षक दंपति की FIR 13 दिन तक दर्ज नहीं की और दंपति पुलिस के चक्कर काटती रही। सर, मेरे घर 10 तारीख रात को चोरी हुई और जिसकी FIR लिखाने में थाने पहुंचा, लेकिन मेरी 13 दिन तक FIR नहीं लिखी गई और आज 18 दिन हो गए हैं। मुझे मतलब चोर को पकड़ने का कोई सुराग दिख नहीं रहा है और जिस व्यक्ति को मैं संदिग्ध बता रहा हूँ, जिसकी मैंने 10 दिन तक एक्टिविटी नोट करके उसके पीछे रहा हूँ, और वही व्यक्ति मुझे 6:15 बजे मेरे घर से जाते हुए कार में बैग रखते हुए देखा और व्यक्ति मेरी नज़र में क्या पूरी कॉलोनी वालों की नज़र में संदिग्ध है, लेकिन इन्होंने संदिग्ध के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे तो पूरे जेवर चले गए हैं, जो एक एक पैसा जोड़ के मैंने जिन जेवरों को बनाई थी पेट काट काट के, वो पूरे जेवर लोंग से लेके बड़े हाथ तक पूरे चोरी चले गए, करीबन 7 लाख के करीब गए हैं। और पुलिस ठंडे बैठी हुई है, कोई काम नहीं करना चाहती है। वहाँ जाते हैं हम लोग तो भगा देती है हमको कि हम कर रहे हैं। 18 दिन तक हो गए, कोई परिणाम नहीं निकले, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। उसमें प्रयास रहते हैं हम लोग और उनने जो संदिग्ध बताया था उससे भी पूछताछ की जा चुकी है। प्रकरण अभी विवेचना में है, उनकी FIR हो चुकी है और जल्दी खुलासा करेंगे। इसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र से शीघ्र खुलासा करें।